हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज जा रहे हैं हम विंबलडन। डिस्ट्रिक्ट लाइन पकड़ना है, ट्रेन आ गया आ गया आ गया आ गया। विंबलडन स्पेशल। स्टारबक्स है यहाँ भी। रॉन्ग टर्न लिया था मैंने, फिर से पीछे आना पड़ रहा है अभी। द अलेक्जेंड्रा एक पब है, यहाँ पे पब्स बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये लाइक आंटी बोल सकते हैं अभी, शी मस्ट बीन
मिड 50s और समथिंग, 50 साल के ऊपर होगा उनका एज, वो बाइक चला के जा रही है और इतना चढ़ाव है यहाँ पे। यू कुड सी हियर स्लोप और स्टीप अहेड, बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे और एक बिल्डिंग आया है, लुक्स लाइक दिस इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्या बढ़िया बिल्डिंग है यार, गेटेड कम्युनिटी है। This is nursery. प्राइवेट स्टेट, यहाँ पे सब गेटेड कम्युनिटीज दिख रहा है, ऑल रेसिडेंशियल एरिया। ये आ गए हम हाई स्ट्रीट पे, हाई स्ट्रीट विंबलडन। चैंगो ये पब ही लग रहा है, थाई थो। वाह, पूरा टेनिस कोर्ट जैसा डिजाइन बनाया है, बट इट्स रेस्टोरेंट नॉट अ पब। यहाँ पे किचन टेबल गार्डन बार, बहुत सारे पब है यहाँ पे। ये होटल है डॉग एंड फॉक्स,
क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है देखो। ओह माय गॉडनेस, ऑप्टिशियन का दुकान भी देखो पूरा डेकोरेशन करके रखा है। ओहो ये देखो डॉग बुटीक एंड ग्रूमिंग, पेट शॉप है ये कुत्तों के लिए। बड़े लोग बड़ी बातें। कभी कभी ख्याल आता है ऐसा अपने इंडिया में ये लोग किसी गरीब लोगों को मदद करेंगे तो पूरा इंडिया का भला हो जाएगा। नहीं, कॉक हाउस, विंबलडन होम्स, एस्टेट एजेंट है ये। कितना पड़ेगा, कहाँ जाना है अभी? ये बाइक स्टैंड है यहाँ पे, बाइक रूट स्पेशली रेंटल बाइक मिलता है। एंड दिस इज बाइक रूट, स्पेशल बाइक रूट। ये घंटा जो है, ऐसे बहुत सारे घंटा लंदन में बहुत जगह पे देखे हैं मैंने। आई डोंट नो इट्स पर्पस बट लुक्स लाइक देर इज़ सम सिग्निफिकेंस। दोनों साइड पे है, ये साइड पे भी है और रास्ते के वो साइड पे भी है घंटा। देखना पड़ेगा क्या फंडा है इसका। अपने को वहाँ से राइट टर्न लेना है। अरे वहाँ पे भी है घंटा, क्या बात है। ये देखो ये क्या फंडा है मालूम नहीं है। सेंट्रल लंदन में भी बहुत जगह पे देखा है मैंने ऐसा। पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। इट्स सो क्वाइट हियर। लेट्स गो।
दिस इज वेरी ओल्ड स्टाइल हाउस। लंदन मेन सिटी देख सकते हो आप एट द वेरी एंड, टू टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर। ये इतने बड़े पेड़ है और अच्छे से ट्रिमिंग करके रखा है उसका, देख सकते हो। लगता है ये आ गए हम यहाँ पे। यस, ओहो
ये टेंपल बेसिकली बुद्धपदा टेंपल कहते हैं इसे, और ये रॉयल थाई एम्बेसी से अफिलिएटेड है, और ये बांधा गया था तकरीबन 1976 में, तो बहुत पुराना है और बुद्धिज़्म में थेरावादा ट्रेडिशन रहता है, तो दिस इज फ्रॉम दैट थेरावादा ट्रेडिशन। और बहुत ही खूबसूरत, ये थाई में लिखा है तो इंग्लिश नहीं, चारों बाजू में थाई लिखा है गाइस, यप थाई इन ऑल फोर साइड्स। कुछ कंस्ट्रक्शन चालू है लग रहा है। ओहो, यहाँ पे भी बुद्धा का स्टैचू है। विल चेक दैट लेटर, नीड टू फर्स्ट गो फॉर मेडिटेशन। Best men also they practice for the beginning. You can observe best men. ओके, तो अभी मेडिटेशन हो गया है। वी डिड वॉकिंग मेडिटेशन एज वेल टुडे एंड सिटिंग मेडिटेशन एज वेल, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और भंते से भी बात हुई यहाँ पे, मॉन्क से, ही वॉज फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम थाईलैंड एंड ही हैड लिव्ड इन इंडिया एज वेल, तो उन्होंने वो मतलब बोध गया और कुशीनारा वगैरह, मतलब इंडिया में जो भी बौद्ध स्थल है वहाँ पे उनका निवास था, तो उन्होंने इंडिया में काफ़ी वक्त बिताया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, शाम हो गई है, निकलना पड़ेगा अभी। ओके, चलो, चीयर्स, बाय।